झारखंड आंदोलनकारी जेल प्रवीण प्रभाकर इसके दूसरे उदाहरण, जिन लोगों ने सही में झारखंड आंदोलन को लड़ा था, हम लोगों ने अपने बाल्यकाल में देखा था जब हम लोग राजनीति सीख रहे थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी का एक नेता पार्टी के कार्यक्रम में, महिला दिवस के कार्यक्रम में शहीद हो जाता है बरही में, क्षेत्र में जहां वो चुनाव की तैयारी कर रहा होता है, और ठीक उसके बाद के चुनाव में उसकी पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से चुनाव लड़ती है। ये आपको का दोहरा चरित्र दिखलाता है कि आप पार्टी के लिए अपनी जान भी दे दोगे तो पार्टी को अपने सीट से मतलब है, आपकी बलिदानी से कोई मतलब नहीं। हटिया की जीत के साथ पार्टी ने एक नया इतिहास रचा और पार्टी का अर्बन अपील बढ़ा। नवीन जायसवाल जी के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में मैंने आपको पार्टी ज्वाइन किया था 2014 में, उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर उनकी सीट का सौदा हो जाता है और अलग विशेष राज्य का दर्जा के लंबे आंदोलन के बाद सिर्फ 8 सीट पे समझौता होकर पूरे झारखंड के युवाओं को ठगने का काम आप सुपर मुक्त देवता को करते हैं। लंबी फेरिस्त है, मैं बताना चाहता हूं पूरे 4 साल में रघुवर सरकार का पूरा विरोध, हम कार्यकर्ता अपनी पूंजी लगाकर लोगों के साथ जन की बात, मन की बात आपने भी कवरेज किया होगा और हम लोग गांव और पंचायत तक गए। नतीजा लोकसभा चुनाव में 2 महीना पहले कार्यकर्ताओं की जमा पूंजी को, कार्यकर्ताओं को मेहनत को और सरकारी विरोध को दिखाकर 1 सीट लेकर दिल्ली से आ जाना। इस पार्टी में ना कोई कार्यकर्ता सुरक्षित है, ना कोई नेता सुरक्षित है और ये पूरी तरीका से एक पारिवारिक पार्टी बन गई है जिसमें चाचा, मौसा, मौसी, फूफा, भाई बहन, इनकी सीटों को पक्का करना है। कार्यकर्ता कहां से चुनाव लड़ेगा वो अपनी देख ले। ऐसी फेरिस्त में हम लोगों के पुराने कद्दावर नेता पार्टी के महासचिव योगेंद्र महतो का टिकट भी 2014 में इसी क्रम में कटा। योगेंद्र महतो जी भी रातों रात झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर लड़े और वो झारखंड के विधानसभा में विधायक बने। वही हाल नगर निकाय चुनाव में आप देखिएगा कि पूरे प्रदेश में लगभग जगहों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन राजधानी जैसे इंपॉर्टेंट सीट पर पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने 1 मिनट का भी चुनाव प्रचार नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़े नेता है, सड़कों पर कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने अगर उतरेंगे तो ये छोटे नेताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। मैंने उस दायित्व को संभालते हुए नगर निकाय चुनाव में मात्र 15 दिनों में 628 बूथों का निर्माण करके पार्टी के डिप्टी मेयर प्रत्याशी को 34,000 वोट दिलाने का काम किया। पार्टी ने जिस पॉइंट पर खड़ा किया 5.5 साल के अपने कार्यकाल में, हमने ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन इस पार्टी में आप थाना प्रभारी तो बन जाइएगा, लेकिन किस थाना का ये पोस्टिंग नहीं होगा और जो सिस्टम है वो पूरी तरीका से ये लोकतंत्र का गला घोटने का तैयारी लोग कर रहा है। और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था कितना झूठा वादा और झारखंड के लोगों को